ये ओल्डर वर्जन है, ठीक है, पहले यही चलता था। जीएसटी इसमें भी लागू हो सकता है, कैसे होगा उसको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये एजुकेशनल मोड से चलेंगे, और टैली में सबसे अच्छी बात यह है कि एजुकेशनल मोड का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। हाँ एक दिक्कत है, डेट नहीं चेंज होगी इसमें। तो यहाँ पे चल के एंटर करना है, और यहाँ से क्या करना है, एंड प्रेस कर देना। अब यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, नई कंपनी बनानी पड़ेगी, हमारे पास कोई कंपनी तो है नहीं, तो यहाँ से नई कंपनी बन जाएगी। तो जाके यहाँ सी प्रेस कर सकते हैं नई कंपनी बनाने के लिए, न्यू इंडियन कंपनी के नाम से इसे एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस हो गया आपका। एंटर करके यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे, उत्तर प्रदेश, ये चूज हो गया, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, हो गया। तो जैसे वहां पर एक विंडो आती थी, यहाँ पर कोई भी विंडो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जब आप यहाँ पर आ जाएंगे टैली के मेन मेन्यू पे, तो यहाँ पर आपको F11 प्रेस करना होगा अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो। और आप स्टेटरी फीचर में यहाँ पे देखिए स्टेटरी एंड टैक्सेशन दिया हुआ है ना, तो जीएसटी के लिए यहाँ जाना होगा और यहाँ से जीएसटी को यस कर देना होगा, और यहाँ पे अल्टर भी कर देना होगा, और ये मंथली जीएसटी फाइल करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप अपना जीएसटी आई एन नंबर जो है मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया जीएसटी आई एन नंबर, और यहाँ से जाकर के इसको यस कर दीजिएगा। बाकी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, लेकिन सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिएगा, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको वाई बटन प्रेस कर देना है, और वाई बटन प्रेस करते ही सी जीएसटी एस जीएसटी भी नजर आने लगेगा, और यहाँ पे टैक्सेबल रख दीजिएगा। और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 12% का जीएसटी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लगा दिया, कंट्रोल ए कर लेंगे। तो ये हमारा जीएसटी भी हो गया है नई कंपनी में, ठीक है, एप्लीकेबल हो गया है, हमने उसे एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ से वी बटन प्रेस करके पहली एंट्री किस वाउचर में पास करेंगे, रिसीव वाउचर में। तो रिसीव वाउचर में पास कर लेते हैं F6 प्रेस करके। ये सिंगल एंट्री मोड है, तो सिंगल एंट्री मोड में भी पास कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक लेजर कैश का, तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ अल्ट सी करेंगे, चाहे तो बैंक का भी लगा सकते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्ट सी किया हमने, और अल्ट सी करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे उस कैपिटल का लेजर लगाएं, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, ठीक है। तो कैपिटल, और इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट रहेगा, बाकी यहाँ पे सारी डिटेल को एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ये डाल करके आगे बढ़िएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी नरेशन देना चाहे। फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये एक एंट्री हो गई। अब जब भी आप कुछ परचेस करने जाएंगे और देन उसका पेमेंट करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आ गए परचेस वाउचर में, और यहाँ पे परचेस करेंगे, और मैं आपको एक ही सामान परचेस करके दिखाऊंगा। F2 करके चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं। समझ लीजिए आपका मन है कि हम 1 मई में ये परचेजिंग करेंगे, तो यहाँ पे 1 मई की डेट डाल दीजिए, 1 मई की डेट आएगी, ठीक है। यहाँ पर 5/2023, ठीक है, और यहाँ पे पार्टी का नेम आएगा। तो आप चाहते हैं कि उधार की परचेजिंग हो, तो पार्टी का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम उधार की परचेजिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राजू होलसेलर कर देते हैं, होलसेलर SALER हो गया, और राजू होलसेलर एंटर करेंगे। अब ये किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिएगा, और ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस रखिएगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। और ये सेम स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश के ही है, क्योंकि कंपनी भी हमारी उत्तर प्रदेश की ही है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लगा के छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, परचेस का लेजर, तो अल्ट सी करके परचेस का लेजर बनाइएगा, ये हो गया परचेस, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे पी प्रेस करेंगे, परचेस के ग्रुप में इसे डाल देंगे, ये डाल दिया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है, आपने पूछा था कि कैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे अल्ट सी करिए, और यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो पहला स्टॉक आइटम है वो है शुगर, SUGAR, तो ये हो गया शुगर। और यहाँ पे यूनिट बना सकते हैं, कई बार यूनिट हम छोड़ देते हैं, यूनिट बनाते ही नहीं, और सीधा कहाँ आ जाते हैं ऐसे, ये देखिए ये तरीका, तो सीधा हमारा कर्सर कहाँ आ जाता है, अमाउंट में। तो अमाउंट में ना जाए इसके लिए जरूरी है कि पहले आप यूनिट बना के काम करेंगे। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो यहाँ इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ स्टॉक आइटम पे जाएंगे, और यहाँ अल्टर दिया हुआ है, दो तरीकों से अल्टर किया जा सकता है, क्योंकि ये टैली ERP 9 है। तो यहाँ पे मैं सिंगल ही अल्टर कर लेता हूँ, शुगर को अल्टर करूंगा, यहाँ पे जाके अल्ट सी करके यूनिट भी बना लेंगे। तो यहाँ केजी कर देते हैं सिंबल, और यहाँ किलोग्राम कर देंगे, किलोग्राम GRAM, तो हो गया ये, एंटर करेंगे, और यहाँ पे UPSC कोड में केजी डालेंगे तो KGS आ जाएगा ये, और यहाँ पे 3 कर देंगे क्योंकि आधा किलो की बात आएगी। तो और यहाँ पे अलग से GST अप्लाई करना चाहे तो वाई बटन प्रेस करके अलग से GST भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग से देखिए यहाँ पे अलग से GST में 18% लगा रहा हूँ, हालांकि 18% लगता नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया है, ठीक है, समझने के लिए।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, चलिए इसको रहने देते हैं, ये हमारा सब सही हो गया। ठीक है, तो सही करने के लिए ऐसे सही कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर वापस से वही परचेज में एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, 1 मई में ही एंट्री पास हो रही है, क्रेडिटर पार्टी का लेजर पहले ही बना रखा है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे परचेज का लेजर भी बन गया है। अब खाली हमको शुगर लेना है, ये हो गया। अब मान लीजिए 50 किलो चीनी हमने खरीदा या 100 किलो, ठीक है, 100 किलो चीनी खरीदा और किसी कारणवश बोरा फट गया हो या जो भी रहा हो, तो जो है वो खराब हो गया, आया तो जरूर ठीक है, लेकिन अंदर चीनी जो है पूरा खराब था, ठीक है, पानी उसमें चला गया था अंदर, जिसकी वजह से वो खराब हो गया। तो अब यहाँ पे CGST लगाएंगे, क्योंकि GST तो हर चीज पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैकेट वाला आइटम होगा तो उसमें GST लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए ये भी पैकेट ही वाला है, और ये क्या किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिएगा, यहाँ से GST कर लीजिएगा, यहाँ से सेंट्रल टैक्स कर लीजिएगा, यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर लीजिएगा, और यहाँ पे एंटर करिएगा, और यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे एंटर। तो ये देखिए 405 रुपए CGST आ गया। जब भी सेम स्टेट की बात आएगी तो CGST और SGST दोनों ही लगेगा। तो यहाँ पे अल्ट सी करके SGST करते हैं, SGST हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे GST ही लगाएंगे, और यहाँ पे स्टेट टैक्स करेंगे, और यहाँ पर एंटर करके इसको नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके उसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो 405 रुपए ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, नरेशन में डाल देंगे, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड। ध्यान रखिएगा ये टैली ERP 9 है, प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका बिल हमें देखना है, तो यहाँ पे दो बार डी प्रेस करके देख लेंगे इसका बिल, अल्ट की करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कहाँ गया ये, अल्ट की करते हैं एक बार और एंटर करते हैं। तो टैली और ERP 9 जहाँ सेव किया गया, तो ये यहाँ पे चला गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बिल हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये शुगर परचेज किया गया, तो ये परचेजिंग हो गई, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये खराब निकल गया, तो रिटर्निंग करनी है, तो रिटर्निंग कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा GST भी लगा हुआ है इस पे। तो रिटर्निंग के लिए क्या पॉलिसी है, कैसे रिटर्निंग करेंगे, आज चलिए देखते हैं। यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, और रिटर्निंग के लिए हम परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, कौन सी एंट्री, परचेज रिटर्न, ठीक है। यहाँ काउंटिंग वाउचर में जाएंगे, वी बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ से परचेज रिटर्न पे जाना है। तो अभी आपको यहाँ परचेज रिटर्न एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, ये है परचेज रिटर्न, डेबिट नोट को परचेज रिटर्न बोलते हैं ये, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, F11, यहाँ से F11 प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आया हुआ है, यूज डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स, तो इसको यहाँ से यस कर दीजिएगा। जबकि प्राइम में ऐसा नहीं था, प्राइम में बड़ा आसान था, सारी चीजें बहुत आसान थी प्राइम में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमको जाना है डेबिट नोट में, तो डेबिट नोट में नीचे दो लाइन बनी है, तो ये बटन कंट्रोल के साथ प्रेस करना है और F9 प्रेस कर देना है, तो हम आ जाएंगे डेबिट नोट में। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर याद है तो ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं आप, यहाँ पे आ करके यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे। रिटर्निंग के लिए ये है, और यहाँ पे ये 1 मई को रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे इन्हीं से खरीदा गया था तो इन्हीं को रिटर्न जा रहा है, तो ये हो गया। और यहाँ पे परचेज रिटर्न का लेजर चाहे तो लगा सकते हैं, परचेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ शुगर पूरा 100 का 100 किलो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये 100 किलो रिटर्न जा रहा है, ठीक है। देखिएगा स्टॉक आइटम में अब एक भी नहीं बचेगा हमारे पास, बाकी GST जो लगा था वो तो लगा ही देंगे, तो CGST और SGST कर दिया हमने, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया, नीचे लिख देंगे नरेशन में, वैसे मैंने डाला नहीं है, द गुड्स हैव बीन रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी, और इस तरह का कुछ भी लिख के, और इसको रिटर्न करा देंगे। अब बाहर जब आएंगे और यहाँ स्टॉक क्वेरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर बाहर आइए, अब यहाँ स्टॉक समरी में ही चलते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ दिखेगी नहीं, 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में अब कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी स्टॉक आइटम हमारे पास मौजूद नहीं है, पहले था तो अब रिटर्न कर दिया।